नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में जो पोल कंडक्ट किया गया है इंडिया टुडे के द्वारा मूड ऑफ द नेशन पोल, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को लगातार चौथी बार बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द नेशन रेट किया गया है। ये फायरब्रांड चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान के सबसे पॉलिटिकली क्रूशियल स्टेट के हेड भी हैं और बीजेपी के वो स्टार कैंपेनियन भी हैं पूरे इंडिया में। ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, वो स्लिप होकर चौथे स्थान पर आ गई हैं और उनके पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगमोहन रेड्डी हैं। ये ममता बनर्जी के लिए काफ़ी घातक हो सकता है क्योंकि बंगाल इलेक्शंस काफ़ी नज़दीक हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को 24% वोट मिले हैं और इसके पहले जो पोलिंग हुई थी पिछले साल उसमें उनको 18% वोट मिले थे। तो योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल काफ़ी बढ़ गई है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को 15% वोट मिले हैं और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगमोहन रेड्डी को 11% वोट मिले हैं और वहीं पर वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को 9% वोट मिले हैं इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में। इसमें कोई शक नहीं है कि योगी गवर्नमेंट ने तमाम इनिशिएटिव्स लिए हैं गुड और ऑनेस्ट गवर्नेंस की तरफ। पिछले कुछ सालों में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी काफ़ी इंप्रूव हुई है और करप्शन भी काफ़ी कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज में भी काफ़ी सुधार आया है। अगर हम इस सर्वे के बाकी पहलुओं पर ध्यान दें तो करीब 3/4 लोग जिन्होंने कि सर्वे में पार्टिसिपेट किया है वो मोदी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक क्राइसिस हैंडल करने के तरीके से काफ़ी खुश हैं। सर्वे के मुताबिक 73% लोग मोदी गवर्नमेंट के COVID-19 पैंडेमिक को पूरे देश में हैंडल करने के तरीके से काफ़ी संतुष्ट हैं। सर्वे के मुताबिक 23% लोगों ने आउटस्टैंडिंग रेट किया है जिस तरह से गवर्नमेंट ने पैंडेमिक को हैंडल किया है और 50% लोगों ने गुड रेट किया है। अगर हम अप्रूवल रेटिंग की बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नेंस की तो वो 74% है जो कि काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो पिछले साल के कंपैरिजन में 4% कम है क्योंकि पिछले साल 78% अप्रूवल रेटिंग थी। सर्वे में ये भी प्रेडिक्ट किया गया कि अगर आज फिर से इलेक्शन कराए जाते हैं तो बीजेपी फिर से बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत कर वापस आएगी। मूड ऑफ द नेशन पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को आज के डेट में 291 सीटें मिलेंगी जो कि पिछले साल के सर्वे के हिसाब से 8 सीटें ज़्यादा है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के हिसाब से बीजेपी लेड NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को आज के डेट में 321 सीटें मिलेंगी और पिछले साल के सर्वे के हिसाब से उनको 316 सीटें मिल रही थी, तो इसका आंकड़ा भी पिछले साल के हिसाब से ज़्यादा है। इसमें कोई शक नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मल्टीपल एक्सेप्शनल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पेंडेमिक के दौरान। इसमें से ज़्यादातर इनिशिएटिव्स बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं और इनमें से कुछ इनिशिएटिव जरूर ऐसे हैं जिनको कि थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता था या फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा और अच्छे से किया जा सकता था। हमें यह समझना पड़ेगा कि बाद में क्रिटिसाइज करना तो बहुत आसान है, स्पेशली इस तरह की पैंडेमिक सिचुएशन जो कि आज तक कभी नहीं हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही बहादुरी से इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट किया है, हालांकि अननेसेसरी और बेसलेस अपोजिशन भी काफ़ी हो रहा था। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विनोद सिंह, नमस्कार।